आप चर्चा से भागते हो सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है तो कंफ्यूजन किस बात की है कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है सीबीआई की गाज गिरने वाला है जो भी लोग हैं, उसकी तहत तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए विपक्ष भ्रमित ना करें सरकार पूरी तरीके से कैसे तैयार है अपने पक्ष को रखने के लिए सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है उस समय में कोई अर्जमेंट मोशन वगैरह स्टगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है आप उसको धन्यवाद प्रस्ता, प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो आपको जो कहना है जो आलोचना करना है जो सुझाव देना है रखो हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है देश के विद्यार्थियों की प्रति है हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं आज भी सदन में रखना चाहते हैं आज तो जब मैं लोकसभा में था जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, जब आप चर्चा से भागते हो सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है तो कंफ्यूजन किस बात की है मैं विद्यार्थियों को अस्वस्थ करना चाहता हूं, देशवासियों को अस्वस्थ करता चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है सीबीआई बी आई की गांस गिरने वाला है जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई है राधा कृष्णन जी की की के नेतृत्व में इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में जो परीक्षाओं की विसंगति आई है जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा हम कोई भी कुछ विषय न्यायालय की संज्ञान में है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा अमागी सरकार विद्यार्थियों को अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान है हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए आप जब एक और दो को सोमवार मंगलवार को और राज्यसभा में बुधवार तक चर्चा होगी आप चर्चा में पार्टिसिपेट करिए आपकी मन में जो कहना है सब कहिए हम अपने पक्ष को स्पष्टता रखेंगे सरकार वो सारा विषयों को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा तैयार है नहीं हम तो जब जब राष्ट्रपति महोदया जी ने सरकार की मुख्य के नाते अपने भाषणों में विषय को उल्लेख किया है तो लिपापोती किस चीज की है सीबीआई सारे लोगों को पकड़ना शुरू किया है हम किसी को भी उसमें से छोड़ने वाले नहीं है एन की जो दायित्व में थे उनको निवृत्त करके और एक उच्च अधिकारियों को काम दिया गया है ये सारे सरकार की प्रतिबद्धता की प्रमाण है हम कोई लिपापोती की कोई कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे सारा विषय में हर एक अंतराल में आपके सामने विषय को रखी रहा हूं और हम देश को अस्वस्थ करते हैं विपक्ष को फिर मैं मैं निवेदन करूंगा कोई राजनीतिक भाषा कहना नहीं चाहता हूँ देश की विद्यार्थियों के हित में उनके मन में द्वंद ना बढ़ाया जाए कोई झूठ अपवा और शंका संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है विपक्ष उसमें हम सबको मिलकर मदद करने की आवश्यकता है मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं विपक्ष भ्रमित ना करे